राजा विद्याधर को एक मंत्री की आवश्यकता थी जो बुद्धिमान हो और समय पर उन्हें सही राय दे सके। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश सुनो। आज से ठीक 4 महीने बाद महाराज के लिए अपने खेत की उगी हुई ताजी सब्जी और बुद्धिमत्ता का पात्र लेकर जो कोई अपनी परछाई का पीछा करते राजमहल में आएगा वो राज्य का मंत्री चुना जाएगा। सुनो सुनो सुनो। पाई पाई जोड़ के मंत्री तो मैं ही बनूंगा। चलो काम शुरू करते हैं, मंत्री जो बनना है। हाँ हाँ चलो। राजमहल में ताजी सब्जियां ले जाने के लिए बाकी सब तो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन सारंगा की तैयारी उन सबसे अलग थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। सारंगा, राजमहल में ताजी सब्जी लेकर जाना है, मिट्टी नहीं। दिन और हफ्ते गुजर गए। आखिर वो सुबह आई जब सभी को अपनी अपनी सब्जियां और फल लेकर राजमहल में जाना था। मंत्री तो मैं ही बनूंगा। सारंगा की तैयारी तो अलग थी ही, उसकी राह भी अलग थी। उड़ंगा भाई, सारंगा तो उस तरफ से जा रहा है। वो रास्ता तो पहाड़ी से होकर जाता है, वहाँ से जाते जाते आदमी मुरझा जाए, सब्जी क्या खाक ताजी पहुँचेगी। पूरा विजयनगर मंत्री बनना चाहता है। ये रही ताजी सब्जी। ये तो देखो, और ये भी। सब्जियां तो ताजी है, लेकिन अपनी परछाई का पीछा करते हुए भी आना था। ऐलान सुना नहीं था क्या? सबको लगा कि सिर्फ ताजी सब्जियां पहुंचाकर वो मंत्री बन जाएंगे, इसलिए परछाई के साथ वो अपनी अकल भी पीछे छोड़ आए थे। सारंगा बुद्धिमान था, परछाई का पीछा करते आने की शर्त सुनकर ही वो समझ गया था कि महाराज चाहते हैं कि राजमहल के पश्चिमी दरवाजे से आना है, जहां सूरज की रोशनी अंदर आने वाले की पीठ पर पड़ने से उसकी परछाई आगे दिखती है। मुंगी देख, महाराज ने ताजी सब्जी मंगवाई और ये मिट्टी लेकर जा रहा है। इतना बेवकूफ तो ये होगा नहीं, जरूर किसी उपाय से ये ताजी सब्जी राजमहल तक पहुंचाएगा। यानी ये मंत्री बनेगा? नहीं, इसकी सब्जियां लूटकर हम मंत्री बनेंगे, फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं। जो भी सब्जी तुम राजमहल के लिए ले जा रहे हो वो हमारे हवाले कर दो, वरना। जी हुजूर, अभी करता हूँ। ये लीजिए, इसको महाराज के सामने ही खोलना, अगर उसके पहले खोला तो हवा लगी और सब्जियां सड़ी। हाँ हाँ समझ गए। चुंगी और मुंगी सारंगा का दिया हुआ बक्सा लेकर राजमहल पहुंच गए थे। महाराज की जय हो। प्रणाम। वाह, तुम भी अपनी परछाई का पीछा करते आए। लेकिन तुम्हारी सब्जियां कहाँ हैं? होगी तो लाएगा ना महाराज।
मेरी ताजी सब्जी तो देख लीजिए। मंत्री बनने के बाद मैं ऐसे लोगों से निपट लूंगा जो आपका समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, पहले तुम्हारी सब्जियां तो देख लें। चिट्टी, अरे सब्जियां कहाँ गई? प्रणाम स्वीकार हो महाराज, हम चोर हैं, मंत्री बनने के लालच में हमने चोरी की, इसके लिए हमें सजा दी जाए। सैनिकों, डाल दो इन्हें काल कोठरी में। मैंने बताया था ना, सरंगा बुद्धिमान था, अब उसकी बारी थी। तो गांव वाले जो सोच रहे थे कि सरंगा मिट्टी ले जा रहा है, वो दरअसल सिर्फ मिट्टी ही नहीं थी, उसके अंदर सब्जियां और गाजरें भी थी जो उसने इतने दिनों पहले बैलगाड़ी में ही उगाई थी, ताकि महाराज विद्याधर तक वो ताजी ताजी पहुँचे। बहुत खूब, तुम अवश्य वो पात्र भी लाए होगे जिसमें बुद्धिमत्ता हो। जी महाराज। महाराज, इसमें बुद्धिमत्ता है, मगर आपको बिना मटका तोड़े निकालनी होगी। मटके में सारंगा ने जो कद्दू डाला था, वो खाद पानी से इतने दिनों में मटके जितना बड़ा हो गया। बिना मटका तोड़े वो निकलता ही नहीं। लेकिन उन्होंने सारंगा की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई बहुत खूब है सारंगा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर दरबार के लिए हमें इन तीन गुड़ियों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो वो कौन सी होगी? मुझे तीन तार चाहिए होंगे महाराज। अवश्य। अरे ये कर क्या रहा है? ये गुड़िया दरबार के लिए श्रेष्ठ है महाराज, क्योंकि अगर कोई राज की बात पहली गुड़िया के कानों में बोली जाएगी तो वो उसका महत्व समझे बिना उसे दूसरे कान से निकाल देगी। दूसरी गुड़िया के कान में बोली जाएगी तो वो किसी को बोल देगी, लेकिन तीसरी गुड़िया के कान में जो भी बोला जाएगा वो राज राज ही रहेगा। वाह वाह, क्या बात है। बस एक आखिरी प्रश्न। महाराज ने तीन अंगूठी दिखाकर सारंगा से पूछा कि मान लो सारंगा, लाल अंगूठी पहनने वाले को योजना बनाने की ताकत देती है, हरी पहनने वाले को योजना को सामान्य परिस्थिति में अमल करने की ताकत देती है, और नीली अंगूठी पहनने वाले को विकट परिस्थिति में योजना पर अमल करने की ताकत देती है, तो दरबार में किसे कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए? महाराज, लाल अंगूठी आपको पहननी चाहिए, क्योंकि योजना राजा बनाता है। हरी अंगूठी आपके मंत्री के लिए होनी चाहिए, ताकि वो सामान्य परिस्थिति में योजना पर अमल कर सके, और सेनापति जी नीली अंगूठी पहने, ताकि वो किसी भी विकट परिस्थिति में आपकी योजना पर अमल कर सके। वाह, वाकई तुम बुद्धिमान हो सारंगा महाराज। और इस तरह अपनी सूझबूझ से सारंगा विजयनगर का मंत्री बना, और उसने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सालों साल काम किया। टेंशन लेने से होगा क्या? हाँ, बिना टेंशन लिए सारंगा ने इम्तिहान की घड़ी में सोच समझ कर जवाब दिया। और आपके पास डांस का टैलेंट है, तो किस बात का टेंशन? अब तो मैं बिना टेंशन के परफॉर्म करूंगी। थैंक यू सुधा। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.